हेलो फोर्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? फाइन। सो फोर्थ क्लास, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू से समथिंग टू यू दैट आई थिंक ओनली 4 to 5 चिल्ड्रन स्टडी फ्रॉम द यूट्यूब क्लासेस। व्हाई नॉट ऑल स्टूडेंट्स लर्न these interesting things? So students, I request to you, please join that classes and do your homework and check it, okay? So students, previously we completed the first page of the green plants producers of food. Today we read about first activity, and previously we completed how do leaves prepare food. What is this? This is an activity to test green leaves, how green leaves prepare their food. Yani ki kya hai is activity ki headline, dekhiye bachcho. To test that only green leaves can prepare food. हम इससे ही इस टेस्ट में, इस एक्टिविटी में ये टेस्ट करेंगे कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं से वही अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे पता करेंगे हम, पढ़ते हैं। टेक अ कॉलियस लीफ। सबसे पहले एक कॉलियस लीफ लीजिए बच्चों। कॉलियस लीफ क्या होती है बच्चों? ये एक टाइप की लीफ होती है जिसके अंदर ग्रीन पार्ट भी होता है और डिफरेंट कलर का पार्ट भी होता है, ठीक है बच्चों? यानी एक ही लीफ में ग्रीन पार्ट भी होता है और बिना ग्रीन पार्ट भी होता है। लेकिन आपको जो इमेज दी गई है उसमें पूरी ग्रीन इमेज दी गई है, लेकिन ये कोलियस लीफ नहीं होती है बच्चों। मैं आपके लिए एक ओरिजिनल कोलियस लीफ लेके आया हूँ जिसकी इमेज आप देखेंगे अभी। देखिए ये है बच्चों, इट इज कॉल्ड अ कोलियस लीफ। इन दिस लीफ यू कैन सी सम पार्ट ऑफ द लीफ इज ग्रीन and some part of the leaf is purple in a color. So students, what we test in this activity that only green leaves prepare their food. यानी कि अगर हम इस टेस्ट में ये साबित कर दें कि सिर्फ इस पार्ट में, सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही फूड है, तो हमारी ये बात सच हो जाएगी कि हाँ, ओनली ग्रीन लीव्स ही अपना फूड खुद बनाती हैं। यानी कि इस पार्ट में इस लीफ का फूड नहीं होगा, ओनली किस पार्ट में होगा? ग्रीन पार्ट में। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल होता है, विच इज द फूड, विच इज द स्टार्च ऑफ अ प्लांट। तो देखिए बच्चों, क्या है इस एक्टिविटी में, कैसे करेंगे। टेक अ कॉलियस लीफ। हमें कोलियस लीफ लेनी है जो कि हमने अभी देखी। इट हैज़ टू कलर्स ऑन इट। उसके ऊपर दो कलर हैं जैसे कि अभी हमने देखे। ड्रॉ इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हमें इसकी आउटलाइन बच्चों पेपर पे बनानी है, जैसे कि आपको ये लीफ बनानी है और दोनों साइड कलर दिखाने हैं इसके, मतलब सेम टू सेम ऐसी लीफ बनानी है आपको, और ग्रीन कलर करके दिखाना है साइड साइड में और बीच में पर्पल कलर करके दिखाना है। ये डायग्राम भी बनाना है बच्चों आपको, मैं एक्टिविटी दूंगा घर से करने के लिए, ठीक है। ड्रॉ इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। आपको मार्क करने हैं बच्चों ग्रीन एरियाज और नॉन ग्रीन एरियाज, यानी कलर करने हैं। सबसे पहला काम आपका ये हो गया। सेकेंड काम आपको क्या करना है, बॉयल द लीफ। उस लीफ को आपको उबालना है किसमें, फर्स्ट इन वाटर, सबसे पहले वाटर में, एंड देन इन एल्कोहल। फिर उसके बाद आपको एल्कोहल में मिला उबालना है उसको, एल्कोहल यानी कि शराब। आपको उसके अंदर उसको मिलाना, एल्कोहल यानी कि बच्चों इथेनॉल, ठीक है। कहने का मतलब ये एक टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि केमिस्ट्री लैब्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले लीफ को वाटर में उबालना है, फिर उसके बाद एल्कोहल में उबालना है। एल्कोहल में उबालने से क्या होता है बच्चों, वो जो कोई भी चीज़ होती है, ज़्यादातर जो लीफ होती है वो फीकी पड़ जाती है, यानी कि उसका जो रंग होता है, उसकी जो फ्रेशनेस होती है वो गायब हो जाती है। लीफ लॉस्ट
इट्स फ्रेशनेस, यानी कि लीफ अपनी फ्रेशनेस खो देती है बच्चों एल्कोहल में उबालने से, ब्लीच कर हो जाती है वो, ब्लीच मतलब अपनी फ्रेशनेस खो देना। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले आपको लेनी है कॉलियस लीफ, उसको बॉयल करना है वाटर में, फिर उसको बॉयल करना है एल्कोहल में, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, जो आपको लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही है, ये टेस्ट ट्यूब। आपको इस टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल डालना है और फिर उसके अंदर लीफ डालनी है और फिर उसको बॉयल करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लीफ ली, लीफ बॉयल्ड इन वाटर, लीफ बॉयल्ड इन एल्कोहल। सबसे पहले वाटर में बॉयल करा और फिर एल्कोहल में बॉयल करा, तो इस प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, लीफ इज ब्लीच्ड, यानी कि वो फीकी पड़ जाएगी लीफ, यानी कि वो अपनी फ्रेशनेस खो देगी। इतना करने के बाद क्या करना है, वॉश द लीफ, उस लीफ को धोना है एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट। उस लीफ को धोने के बाद बच्चों उस पर कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डालें। बच्चों आयोडीन पता है किसके लिए होता है, आयोडीन ये पता लगाने के लिए होता है कि फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं। स्टार्च यानी जो फूड के अंदर तत्व होता है, जो प्लांट्स के अंदर लीफ के अंदर तत्व होता है, ग्रीन लीव्स के अंदर, तो आयोडीन वो पता लगाने के लिए होता है। अगर प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर अगर फूड होगा तो वो ब्लू एंड ब्लैक कलर में टर्न हो जाएंगे, ग्रीन से कौन से कलर में चले जाएंगे, ब्लू या ब्लैक कलर में। और जिसके अंदर फूड नहीं होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आयोडीन ये पता लगाता है बच्चों कि किसी लीफ में, किसी फूड में स्टार्च है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, ये सब चीज़ें आयोडीन पता लगाता है। तो हमने जैसे ही उस लीफ को धोया अच्छी तरीके से और फिर उसके ऊपर थोड़ा आयोडीन डाला, द कलर ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, यानी कि जो कलर है बच्चों ग्रीन पार्ट का, जो लीफ का ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ विल चेंज इन टू ब्लू एंड ब्लैक। वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा बच्चों, ब्लू एंड ब्लैक कलर में। वाइल द नॉन ग्रीन पार्ट, और जो नॉन ग्रीन पार्ट है, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया था कोलियस लीफ में, विल रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज्ड होगा। दिस शोज दैट फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सेकेंड इन अ ग्रीन लीफ। यही शो करता है बच्चों कि जो क्लोरोफिल सेकेंड है बच्चों, वो ओनली ग्रीन लीफ में ही होता है, यानी कि जो स्टार्च होता है, जो शुगर होती है, ठीक है ना, वो कौन सी पार्ट में होती है बच्चों, ग्रीन पार्ट में होती है लीफ की, ओनली ग्रीन लीफ में ही होती है। तो दिस शोज दैट फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सेक, क्लोरोफिल इन अ ग्रीन लीफ। यानी कि अब आपको ये समझ जाना चाहिए ये वाला एक्सपेरिमेंट करके, ये वाली एक्टिविटी करके, कि जो क्लोरोफिल है वो कौन से पार्ट में होगी, ओनली ग्रीन पार्ट में, लीफ की ग्रीन पार्ट में। क्योंकि जैसे ही हमने उसके ऊपर आयोडीन डाला तो कौन सा पार्ट चेंज हुआ, कलर किसका चेंज हुआ, जिसका कलर चेंज हो जाए उसी पार्ट में क्लोरोफिल, इतना समझ लो बच्चों। तो कौन सा पार्ट चेंज हुआ, किस पार्ट का कलर चेंज हुआ, ग्रीन कलर वाला चेंज हुआ ब्लैक एंड ब्लू में। जो पर्पल वाला था वो चेंज नहीं हुआ, वो तो रिमेन अनचेंज्ड। तो बच्चों इससे प्रूफ हो गया कि जो फूड होता है प्लांट का, जो वो प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पार्ट में होता है, ग्रीन लीफ में होता है। ओके बच्चों, तो उसने थोड़ा सा आयोडीन डाला, एड आयोडीन ऑन द लीफ, और फिर उसने देखा कि जो कलर है लीफ का वो कौन से कलर का हो गया, ब्लू एंड ब्लैक कलर का। तो बच्चों ये आपको मैं इसकी इमेज भी भेजूंगा, किसकी, इस कोलियस लीफ की। आपको इसको सेम टू सेम उतार के कलर करके अच्छी तरीके से ग्रीन पार्ट दिखाना है अपनी कॉपी पर, और ये पर्पल पार्ट दिखाना है। आपको वन साइड ब्लैंक वाली कॉपी बनानी है बच्चों, जो ब्लैंक एरिया उस पर डायग्राम्स बनेंगे। ये बच्चों ये आपकी सोशल साइंस है, वो सॉरी साइंस है बच्चों, ये आपकी है ना, साइंस की कॉपी बच्चों हमेशा ऐसे ही बनती है, एक साइड ब्लैंक वाली। सो ऑन द लेफ्ट साइड यू मेक डायग्राम्स एंड ऑन द राइट साइड यू मेक ऑल द एक्टिविटीज, यू राइट ऑल द एक्टिविटीज। सो बच्चों आपको ये फर्स्ट एक्टिविटी उतारनी है अपनी कॉपी में, राइट हैंड साइड पे लाइन वाली साइड पे, और जो ब्लैंक पेज है उस पे आपको ये वाला डायग्राम उतारना है, बनाना है अच्छी तरीके से, कलर डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से। और आपको एक इसमें ये जो बीकर दे रखा है जिसमें लीफ उबल रही है,
ये डायग्राम भी बनाना है, अगर आप बना सके तो। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में बच्चों, मैं आपको इसका एक सिंपल वन भेजूंगा, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये भेजूंगा मैं आपको, आप ये बनाइएगा, सिंपल है, आप ये बनाइएगा, ओके। मैं आपको ये भेजूंगा, आपको ये दो डायग्राम बनाने हैं, ये आपको एक्टिविटी उतारनी है ऊपर हेडिंग डाल के, ठीक है, और ये दो डायग्राम, एक ये वाला डायग्राम इसके सामने है, एक ये वाला डायग्राम, ये आपको बनाना है इस एक्टिविटी के सामने। आप डालेंगे एक्टिविटी फर्स्ट, इसकी हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से ये फोर पॉइंट्स उतारेंगे पूरे पूरे अच्छी तरीके से, बिल्कुल साफ राइटिंग में। और आपको समझ में आया बच्चों कैसे हमने देखा, आप इसको समझेंगे। सबसे पहले कोलियस लीफ ली, उसके दो कलर होते हैं, हमने आउटलाइन बनाई शीट पर, फिर हमने उसको उबाला सबसे पहले वाटर में, फिर अल्कोहल में, और फिर उसके ऊपर कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डाले, फिर हमने देखा कि ओनली ग्रीन पार्ट जो है, ग्रीन कलर है, वो चेंज हो गया ब्लैक एंड ब्लू कलर में। तो इसका मतलब फूड है जो, वो कौन से पार्ट में, ओनली ग्रीन पार्ट में, यानी कि ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है। तो ये इससे प्रूफ हो गया। ओके बच्चों, इसके बाद चलते हैं सेकेंड, सेकेंड पे भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चों, इसको समझेंगे। टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, आपको ये शो करना है कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस यानी फूड तैयार करने की प्रोसेस ऑफ प्लांट, द प्रोसेस ऑफ प्लांट टू मेक अ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही आपको प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस नीडेड है, नेसेसरी है, सनलाइट नीडेड है, नेसेसरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कैसे हम करेंगे पढ़ते हैं बच्चों, समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन शेड फॉर 24 आवर्स, यानी कि सबसे पहले आप एक, आपको एक पॉटेड प्लांट यानी कि गमले में उगाया हुआ एक प्लांट, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ठीक है ना, गमले में उगाया हुआ आपको एक प्लांट, सबसे पहले क्या करना है उसका, आपको सनलाइट में रखना है, शेड यानी सनलाइट फॉर 24 आवर्स, उसको 24 घंटे तक सनलाइट में रखना है, ठीक है ना। कवर, सेकंड देखिए, फिर कवर वन ऑफ इट्स लीव्स विद अ ब्लैक स्ट्रिप, जब आपने रख दिया 24 घंटे तक, उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन ही उसकी एक लीफ को बच्चों, एक लीफ को, वन ऑफ इट्स लीव्स, उसकी सारी लीफ में से सिर्फ एक लीफ को ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर देना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर रखा है ना बच्चों, एक लीफ को इस तरीके से आपको कवर कर देना है। इससे क्या होगा बच्चों, जो सनलाइट है वो पूरे प्लांट पे तो पहुंच रही है, सारी लीव से पहुंच रही है, लेकिन सिर्फ इस लीफ पे नहीं पहुंच रही, ठीक है ना। नाउ कीप दिस स्पॉटेड प्लांट अगेन इन सनलाइट, देन उसके बाद जब आपने उस पर एक ब्लैक स्ट्रिप लगा दी, तो उसको फिर से सनलाइट में रख दो, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है इस पौधे को सनलाइट में, है ना। देन प्लग द कवर्ड लीफ, उस कवर्ड लीफ को उसमें से तोड़ लो, बॉयल इट फर्स्ट इन वाटर, सबसे पहले उसको वाटर में उबालो, देन इन एल्कोहल, फिर उसको एल्कोहल में उबालो, जिससे उसका रंग फीका पड़ जाएगा, जैसे हमने उसमें करा था, उसमें हमने सिंपल कोलियस लीफ ली थी, इसमें हमको एक कवर्ड करके फिर लीफ को उबालना है। वॉश द लीफ अंडर वाटर एंड पुट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट, आपको वाटर साफ करनी है लीफ, फिर उसके ऊपर थोड़े आयोडीन डालना है। द कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ डज नॉट टर्न ब्लैक ब्लू ब्लैक, यानी कि जो कवर्ड पार्ट था बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है कवर्ड पार्ट था जो, वो उसका कलर चेंज नहीं होगा, डज नॉट टर्न ब्लू एंड ब्लैक, उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक चेंज नहीं होगा। इज नो स्टार्च इन इट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है, क्योंकि बच्चों ये वाला पार्ट था जो कवर्ड था, तो इस तक सनलाइट पहुंची नहीं, तो यहाँ पे क्लोरोफिल सेकंड नहीं बना, यहाँ पे स्टार्च नहीं बना। कहाँ कहाँ पे बना बच्चों, सिर्फ इसके कोने कोनों पर, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे स्टार्च बना, तो जैसे ही यहाँ पे आयोडीन डाला, तो सिर्फ यही वाला जो पार्ट है वो ब्लू एंड ब्लैक कलर में चेंज हुआ, जो बीच वाला पार्ट है, जो कवर्ड पार्ट है, वो चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, जिस जिस जगह पे सनलाइट पड़ेगी वहीं वहीं फोटोसिंथेसिस होगा, वहीं वहीं स्टार्च बनेगा, वहीं पे फूड बनेगा,
और अलग जगह, जिस जगह धूप नहीं पड़ी, जिस जगह सनलाइट नहीं पड़ी, वहाँ स्टार्च नहीं बनेगा. दिस शोज दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सनलाइट ओनली. यही शो करता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है बच्चों, वो सिर्फ सनलाइट में ही पॉसिबल है. समझे बच्चों आप? इस तरीके से हम समझे. सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक कॉलियस लीफ ली थी, फिर उसको जब हमने उबाल के पानी, जब हमने आयोडीन छिड़का था, तो ओनली ग्रीन पार्ट ही चेंज हुआ था कलर. इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है वही चेंज हुआ, जो कवर्ड पार्ट था बच्चों वहाँ तक सनलाइट ही नहीं पहुँची, तो वहाँ पे फूड कैसे बन सकता था? स्टार्च बनी बनाई नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो. फोटोसिंथेसिस सिर्फ उसी पार्ट पे होता है लीफ की जिस पे सनलाइट गिरती है. आप समझे बच्चों? तो फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी आप अच्छी तरीके से समझे होंगे. इसका भी आपको एक डायग्राम बनाना है बच्चों. आप ये एक्टिविटी लिखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे अपने जो खाली पेपर है, ब्लैंक पेपर है, उस पर आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला. अब ये वाला डायग्राम आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, तो मैं आपको एक सिंपल वन दे देता हूँ, आप उसको बनाइएगा. ठीक है, कोशिश करिएगा. कलर डायग्राम बनाने हैं बच्चों आपको अच्छी तरीके से. फेयर वर्क करना है आपको, ये वाला. ठीक है, इसमें आपको सन भी दिखाई दे रहा है और प्लांट भी दिखाई दे रहा है. पॉटेड प्लांट, यानी कि पॉट में है ये प्लांट, गमला है, गमले में प्लांट है. और ये कवर्ड लीफ है इसकी ब्लैक स्ट्रिप से, है ना. तो इस तरीके से आपको ये प्लांट, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, इसका आपको डायग्राम बनाना है. तो आपकी ये दो एक्टिविटी हुई. ओके बच्चों, आपका आज यही होमवर्क है. आप इन दोनों एक्टिविटीज़ को करेंगे अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से, पेंसिल से, और ये डायग्राम बनाएंगे, कलर डायग्राम. दिस इज़ योर होमवर्क टुडे. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड, किस तरीके से वो अपना फूड यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर दिस, एंड मेक डायग्राम्स प्रॉपरली, नीटली, क्लीनली, देन सेंड ऑन द ग्रुप. प्लीज़ स्टूडेंट्स, डू योर होमवर्क डेली. ओनली 2-3 चिल्ड्रन इफ डू, then how is possible that all of you get knowledge? If you want to get knowledge, then you should learn, you should study. Okay students, so stay tuned and do your homework daily. इन दोनों activities को आपको दोनों को करना है और diagram बनाने हैं. Okay students, thank you.